क्या श्रीलंका में आज भी कायम है महाराज रावण की सोने की लंका? किस जगह मौजूद है महाराज रावण का महल? उस समय किस जगह उतरता था लंकेश का पुष्पक विमान? श्रीलंका में कहां मौजूद है अशोक वाटिका, जहां मां सीता ने प्रभु श्री राम के वियोग में अपने दिन बिताए थे? जी हां, भगवान श्री राम की रामायण को लेकर कई तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा जरूर देखिए। समय के थपेड़ों के साथ आधुनिक युग में महाराज रावण की सोने की लंका आज पूरी तरह से बदल गई है। महाज्ञानी और अहंकारी लंकेश की सोने की लंका, जो त्रेता युग में त्रिकुटाचल पर्वत पर स्थित थी, ये पर्वत अब श्रीलंका देश में है। यहाँ रावण की सोने की लंका के साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो रावण की नगरी की भव्यता के बारे में वर्णन भी करते हैं। मगर रावण की वह लंका पहले की तरह नहीं रही, समय के साथ उस पर भी कई बदलाव हुए हैं। श्रीलंका स्थित रावण की लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बनी थी, जो तीन पर्वतों के श्रृंखला के साथ श्रृंखलाबद्ध है। इसमें पहला पर्वत सुबेल था, जहां रामायण का युद्ध पूर्ण हुआ था। दूसरा पर्वत का नाम नील था, जहां पर सोने की लंका स्थापित थी। और तीसरा पर्वत सुंदर पर्वत, जहां अशोक वाटिका स्थित थी। ये वाटिका एलिया पर्वतीय क्षेत्र की गुफा में आज भी स्थित है, जहाँ रावण ने सीता को बंधक बनाकर रखा था। रावण की लंका का ये इतिहास पिछले त्रेता युग से यूं ही चला आ रहा है, मगर समय के साथ जब अनुसंधानकर्ता वहां रिसर्च के लिए पहुंचे, तो उनके वहां अद्भुत प्रमाण मिले। दूसरा, लंका में पहुंचने हेतु जिस राम सेतु का निर्माण श्री राम ने करवाया था, वे आज भी है, हालांकि उस पर स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। गौरतलब है कि रावण की सोने की लंका के इतिहास के बारे में अधिक प्रमाण नहीं है, मगर जब बात रावण की नगरी की शुरू की जाती है, तो इसके समक्ष रावण वध की कथा भी दोहराई जाती है। अगर हम बात करें श्रीलंका वासियों की, तो वर्तमान में श्रीलंका में 70% आबादी सिंहली लोगों की है, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। 20% आबादी तमिल हिंदुओं की है, शेष अन्य मुस्लिम और ईसाई आबादी वाले लोग हैं। बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव होने से आज की श्रीलंका की पीढ़ी रावण के बारे में बहुत अधिक नहीं जानती है, लेकिन श्रीलंका में सभी ये जरूर जानते हैं कि रावण जो यहाँ का राजा था, वो भारत से सीता माता का अपहरण करके श्रीलंका लाया था। श्रीलंका के त्रिंकोमल्ली क्षेत्र में राम और रावण का युद्ध हुआ था। अशोक वाटिका, स्त्रीपुरम, रावण फॉल, सीता अग्नि प्रवेश स्थान आदि वहाँ के रामायण टूर के तहत आने वाली जगहें हैं, जो स्वयं श्रीलंका सरकार के पर्यटन विभाग भी देखरेख में है। आपको बता दें कि वहाँ पर रिसर्च कर रहे लोगों ने श्रीलंका में 50 ऐसे स्थल खोजने का दावा किया गया है कि जिनका संबंध सीधा रामायण से है। उनकी रिसर्च में एक गुफा का जिक्र किया गया है, जिसमें रावण का शव रखा गया था। ये गुफा श्रीलंका रेंगला के जंगलों के बीच मौजूद है। आप सभी ने रामायण देखी ही होगी, उसमें भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद रावण के भाई विभीषण को रावण का शव सौंप दिया था। उसके बाद किसी को नहीं पता कि विभीषण ने रावण के शव का अंतिम संस्कार किया था या नहीं, लेकिन मान्यता यह है कि श्रीलंका में रावण की गुफा है, जहां उसने तपस्या की थी। कहा जाता है कि इसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रेगला के इलाके में ये गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इतना ही नहीं, मान्यता यहाँ तक है कि यहाँ रावण ने सीता को हरण करके रखा था। उसके पास ही एक झरना भी है, जहाँ की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। 1972 से पहले श्रीलंका को सिलोन के नाम से ही जाना जाता था। 1972 में इसे बदलकर लंका कर दिया गया। फिर 1978 में लंका को बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। लंका के आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़ दिया गया। अब तक भगवान श्री राम की रामायण पर कई रिसर्च हो चुके हैं, जिनका नतीजा भी अलग अलग निकलता है। श्रीलंका में रामायण और रिसर्च के लिए रामायण रिसर्च सेंटर बनाया गया है। दोस्तों, महाराज रावण की लंका के बारे में कमेंट करके आप लोगों की सलाह हमें जरूर दीजिएगा।
और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और नए ट्रैवलिंग वीडियो के साथ।